नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए सम की संख्या में आप इवन नंबर में कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऐसे दो से कटने वाली संख्या ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाते हुए आप रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से बनता है, इसलिए रॉन्ग साइड में आप दूसरे रंग का ऊन अटैच कर लेंगे और सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टे। सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और फ्रंट साइड। दूसरे लाइन में दो फंदे हम उधेड़ेंगे, खोलेंगे, लपेटे हुए दो फंदों को खोलेंगे और पहले फंदे में ऐसे सिलाई अंदर से डालकर दूसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे और पहले फंदे को बाद में। फिर दो फंदों को खोलेंगे और सिलाई के पहले फंदे के अंदर से सिलाई ऐसे डाल के पहले दूसरे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। दो फंदों को खोलेंगे, पहले फंदे के अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे, दूसरे फंदे को पहले सीधा बुन लेंगे और पहले फंदे को बाद में। ऐसे ये क्रॉस हो जा रहा है। दो फंदों को खोलेंगे, पहले फंदे के अंदर से सिलाई डाल के पहले दूसरे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को। दो फंदों को खोलेंगे, पहले फंदे के अंदर से ऐसे सिलाई डाल के पहले दूसरे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा। इसी तरह करते हुए सारे फंदे बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली जाएगी। थर्ड रो और रॉन्ग साइड। अब पहले रंग के ऊन से सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टे बना लिए जाएंगे। सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदा खोलेंगे यानी दूसरा और तीसरा फंदा, और दूसरे फंदे के अंदर से तीसरा वाला फंदा पहले हम सीधा बुन लेंगे, फिर दूसरा वाला फंदा बुनेंगे। नेक्स्ट दो फंदा हम खोलेंगे, पहले फंदे के अंदर से सिलाई डालेंगे और दूसरे वाले फंदे को हम पहले सीधा बुन लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। दो फंदा खोलेंगे, पहले वाले फंदे के अंदर से पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और अब ये पहला वाला फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे हम सीधा बुनेंगे। और अब फिर दूसरे वाले रंग के ऊन से सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे और अब दो दो फंदे खोलते जाएंगे और पहले फंदे के अंदर से दूसरे वाले फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट दो फंदा खोलेंगे, पहले वाले फंदे के अंदर से सिलाई डालेंगे, दूसरे वाले फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
और लास्ट में दो फंदा बचा है तो दोनों को खोलेंगे, पहले वाले फंदे के अंदर से दूसरे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। और अब पहले रंग के ऊन से सभी फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। आठवीं लाइन और सामने से आठवीं लाइन चौथी लाइन की तरह बनाया जाएगा, यानी पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है तो पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। अब दूसरे और तीसरे फंदे को खोलेंगे और दूसरे फंदे के अंदर से तीसरे वाले फंदे को पहले सीधा बुन लेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को। ये चौथा फंदा है और ये पांचवा फंदा है, तो पहले पांचवे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर चौथे वाले फंदे को। डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है। डिज़ाइन दो ही लाइन का है, लेकिन चौथे लाइन में पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। चूँकि डिज़ाइन सम संख्या में बनी है तो एक फंदा पहले हमने सीधा बुना है तो लास्ट में भी एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है और डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में बनाना है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।